सकती है। तो यकीनन आप लोग अगर इस ट्रेनिंग के अंदर मौजूद हैं, तो आप कामयाब होना चाहते हैं, यकीनन अपने हालात को बदलना चाहते हैं, अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, अपनी फैमिली के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं, क्या ये सब कुछ आप चाहते हैं? Yes, तो हर इंसान के अंदर से दो तरह की आवाजें निकलती हैं, दो तरह की वॉइस आती है। एक इंसान वो है जो चाहता है कामयाब होना, चाहता है सक्सेस अचीव करना, लेकिन उसके अंदर की आवाज उसका साथ नहीं देती। अंदर से वो मायूस है, अंदर से वो परेशान है, अंदर से उसका दिल नहीं करता, और वो ये सोचता है कि मैं कामयाब नहीं हो सकता। आप देखिए आपके अंदर कौन सी आवाज, अगर आप ये सोचते हैं मैं कामयाब नहीं हो सकता, तो मैं आपको गारंटी देता हूं आप कामयाब नहीं हो। और अगर आपके अंदर ये आवाज है कि मैं कामयाब हो सकता, हालात जैसे भी हो, चैलेंजेस जैसे भी हो, मसाइल जैसे भी हो, मैं कामयाब हो सकता हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं आप कामयाब हो सकते हैं। तो लोगों से ज्यादा, माहौल से ज्यादा, सोसाइटी से ज्यादा हमें यह समझने की जरूरत है कि मैं कल आपका फर्स्ट डे था, आपने जो फर्स्ट डे में सीखा बहुत अच्छा सीखा है, आज आप सेकंड डे में उससे ज्यादा अच्छा सीखेंगे। इंसान हर रोज सीखता है, और लर्निंग से कॉन्फिडेंस मिलता है, लर्निंग से एतमाद मिलता है। जब इंसान विदाउट लर्निंग कोई भी काम करता है तो वो कॉन्फिडेंस में नहीं होता, वो एतमाद में नहीं होता। जब लर्निंग लेता है तो उसका कॉन्फिडेंस मिलता है, एतमाद मिलता है। और एक बात याद रखिएगा, एतमाद वो कॉम्बिनेशन है जो इंसान को नाकामियों से निकाल के दुनिया में भेजा है, जो कामयाब लोगों में होती है। सिर्फ मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है, चैलेंज क्या है कि हमें अपनी स्लाइडों पे एतमाद नहीं होता, कॉन्फिडेंस नहीं होता। तवज्जो है, आपके अंदर इंजीनियर बनने की सलाहियत मौजूद है, आपके अंदर डॉक्टर बनने की सलाहियत मौजूद है, आपके अंदर पायलट बनने की सलाहियत मौजूद है। आप जिस सलाहियत को पॉलिश करेंगे, जिस पे आप वर्किंग करेंगे, वही सलाहियत पॉलिश होना शुरू हो जाएगी और वैसे ही आप बन जाएंगे। देखिए पैदाशी तौर पे कोई इंजीनियर होता है? बोले कहा, कोई डॉक्टर होता है? कोई पायलट होता है? फिर कैसे बनता है? जिस सलाहियत पे काम करता है वही बन जाता है, वैसी पर्सनैलिटी बन जाती है, वैसे ही उसका दिखना आ जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि वो सारी सलाहियतें जो कामयाब लोगों में है वो हमारे अंदर मौजूद है, सिर्फ हमने क्या करना है, उनको पहचानना है। और वो हम कैसे पहचान करेंगे, जब हम सीखेंगे, जब हम लर्न करेंगे, क्योंकि विदाउट लर्निंग सक्सेस पॉसिबल नहीं है। हम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ा, हमें यह समझ आए कि जब हम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकले हमारी एजुकेशन स्टॉप होगी, रुकती है, तो ऐसा नहीं है। लर्निंग का प्रोसेस मां की गोद से शुरू होता है तो कब्र तक जारी रहता है। वो लोग जो सीखने के लिए जस्तजू रखते हैं, लगन रखते हैं, शौक रखते हैं, वो लोग जिंदगी में कामयाब हो जाते हैं। तो जिंदगी में हमेशा इंसान को सीखते रहने की लगन होनी चाहिए, ताकि इंसान नित नया सीख के अपने आप को कामयाब इंसान बना सके। अंडरस्टैंड? Yes, sir. कहते हैं आपका दुनिया में आना हिस्ट्री और तारीख नहीं बनता, लेकिन दुनिया से जाना आपका हिस्ट्री और तारीख बन सकता है। आप दुनिया में आए, कादरी आजम साहब भी दुनिया में आए, हम भी दुनिया में आए, लेकिन जब वो दुनिया से जा रहे थे तो यकीनन एक बहुत बड़ी हिस्ट्री बना के जा रहे थे। अब उस तारीख भी दुनिया में आए, लेकिन जब वो जा रहे थे बहुत बड़ी हिस्ट्री रकम करके जा रहे थे। तो सेम लाइफ हमें भी जिंदगी में ऐसा विजन के साथ काम करना चाहिए, ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ काम करना चाहिए, ताकि हम ना रहें लेकिन हमारा काम रह जाए, हम चले भी जाएं लेकिन हमारा जो काम है वो रहती दुनिया तक चलता रहे।